हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं पहाड़ी कढ़ी। देखिए, पहले प्याज डालिए, फिर से भूनिए, फिर मिर्ची काट लिए बारीक बारीक। अब इसमें बेसन डाल दिया है। अब इसे पका रहे हैं। इसमें लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, फिर हम अच्छी तरह से भून रहे हैं इसे। अब इसमें हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई। अब इसमें हम हल्दी डाल रहे हैं। अब हम इसमें दही डाल देंगे। और इसे चलाते रहेंगे। अच्छे से मैश कर देंगे। साइड में हमने बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है, जो इसी में डलेगा बाद में। देखिए कढ़ी का रंग कितना प्यारा है, कितना सुंदर है कि अभी खा लें। अब इसे चलाते हुए पकाते रहिए। अब इसमें गरम पानी डाल देंगे और चलाते रहिए। फिर अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छे लगते, तो चावल चढ़ाइए आप जितने आपको लेने, और चावल धो के बनने रख दीजिए। दही बच गई थी इसलिए मैंने इसे कटोरी में रख के फ्रीज में रख दिया है।
देखिए छोटा सा हमारा स्मॉल सा फ्रिज है। देखिए कढ़ी पक रही है, देखिए हमारी कढ़ी पक गई है, साथ में हमने चावल भी चढ़ा दिए हैं। कढ़ी में भी रंग आ गया है, खुशबू भी आने लग गई है। साइड में हमने आटा निकाल लिया है, आटे की हम रोटी बनाएंगे इसलिए हम इसे गूंद रहे हैं। रोटी बनेगी साइड में, देखिए कढ़ी का भी कितना अच्छा रंग आ गया है। ये है पहाड़ी कढ़ी जो गढ़वाल में खाई जाती है। ये हमारा छोटा छोटा बेटा घूम रहा है गन लेकर, इसे खाने का इंतजार हो रहा है। चावल भी बनने वाले हैं और कढ़ी भी तैयार होने वाली है हमारे लिए। इधर आटा भी तैयार हो गया है। और गाइस देखिए बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश भी आने वाली है। ये देखिए मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा हो चल रही है, लोग बेचारे अपने काम कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर। देखिए मौसम, बारिश की बूंदें आने लग गई है हल्की हल्की। अब मैं फटाफट अपने कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो मेरे कपड़े भीग जाएंगे बारिश में। मैंने सुबह ही कपड़े धो के डाल दिए थे। मेरा छोटा बेटा खेल रहा है, आवाज़ दे रहा है नीचे। हवा बहुत ठंडी चल रही है, कपड़े भीगने लग गए हैं। आंधी भी बारिश भी आने वाली है खूब तेज। ये देखिए कैसा एंजॉय कर रहा है भाग भाग के, कैप पहन के। बारिश आने वाली है बता रहा है वो भी आपको। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर लग रहा है। यहाँ पे लोगों के घर के आगे खेत होते हैं जिसमें वो अपनी सब्जी उब्जी बो लेते हैं। देखिए सबके कपड़े उड़ रहे हैं। ये रास्ता है, ये उत्तराखंड की गरुड़ जगह है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गरुड़ है। सब लोग अपने अपने कपड़े उतार रहे हैं। अब हमें इसमें कसूरी मेथी डाल दी है, क्योंकि हमारी कढ़ी बन गई, अब तैयार हो चुकी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चावल भी बन गए हैं, आटा भी बन गया है। और हम आपको खाने पे दिखाएंगे कैसा स्वाद है। ये देखिए हमारे घर का रास्ता है, यहाँ नीचे से ऊपर आते हैं हम ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे जाते हैं, फिर ये छोटू है, ऊपर है, तो ये एक घर है कि इस साइड में रहते हैं एक भाभी लोग, एक इस साइड में रहते हैं, फिर ये हमारे छत का रास्ता है। ये बाद में दिखाएंगे आपको, पहले अपना घर दिखाते हैं। ये कमरा है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है।
ये किचन है, ये हमारा किचन है, ये देखिए। इधर आइए, चलिए। हाँ, ये हमारा बेडरूम है। डैडी और दाई सब, डैडी और मम्मी और मैं, हम सोते हैं इस वाली बेडरूम में। तो आ देखो, आओ। ये हमारा पढ़ाई का सिस्टम है, जहाँ पे भी यहाँ पे हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसी वाली रूम में कर सकते हैं। चारों रूम में एक साथ कर सकते हैं, पता नहीं, और बाहर भी कर सकते हैं, फाइव रूम से। अभी बाहर और दिखाते हैं। यहाँ से व्यू मिलता है। ये हमारा बैंक का रास्ता है। ये जो ढाल सी ऐसे दिख रही हुई थी, ये हमारा बैंक का रास्ता है। और वो देखो गाइस, वो है पहाड़, मेन पहाड़ जहाँ से हम जाते हैं। आपने वो वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा, जिससे हम ढल गए थे और साइड से हम तहाँ पे रात तो आए थे। जैसे वो डल गया होगा वो वाला ब्लॉग, और हम भी बना। अब हम ऊपर जाते हैं पूरी छत से। मेरा जरूरी है, तो आ जाओ। यहाँ पे स्टिक लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि मंकी कभी भी कहीं से भी आ सकता है। ऐसा ये हमारी छत है। नहीं है यहाँ पे मंकी है नहीं। वैसे देखिए यहाँ से तो व्यू और भी सुंदर है। यहाँ पे बारिश भी पड़ सकती है। तो ये दे दो, जो हवाएं चलेंगी। ये दे दो गाइस, गाइस ये है हमारा मेन रास्ता। यहाँ पे हम यहाँ पे के जो लीवर्स खड़े बड़े हैं ना, यहाँ पे एक और बिल्डिंग बनाने चाहते हैं, और वो अभी बनी नहीं है। देखिए यहाँ से कितना सुंदर व्यू है। तो गाइस यहाँ पे जाओ, यहाँ पे स्टेयर आप तो छोटी छोटी दिख रही हुई थी। यहाँ पे दूसरा घर बनेगा, मतलब कि इससे ऊपर और एक घर बनेगा। यहाँ देखिए कितनी ग्रीनरी है। यहाँ इन लोगों ने कुछ बो रखा है, मनाया बड़ा है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे नाइस फार्म भी बनाया बनाया उनने। जैसे कहते हैं ना, पहाड़ी जगह पे सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, वो खेत हैं। ये देखिए आप कितना सुंदर है। देखिए और यहाँ पे एक बात अलाउड है, वो सामने हिमालय है। नाइस
माले की चोटी है, देखिए एक बात यहाँ पे अलाउड है जो है इस वाले लेयर से आगे नहीं जाना है, ये मना है। देखिए छत पे डॉगी बैठा है, देखिए घर कितने सुंदर है, ऊपर खड़े हैं अपने छत पे। ये सामने एक आंटी का घर है जो नन्नू को बहुत प्यार करती है। ये हिमालय की चोटी है, ये देखिए इन लोगों ने चावल भर रखे हैं। हाँ जी बोलिए। ये सारे ये जो सारे खेत है ना, ये चावल के हैं, ये हमने पैर पे चावल खाते दिल्ली में नहीं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, देखिए आप ये पहाड़ी जगह है, देखिए आप चलिए अब आपको हम नीचे ले चलते हैं। और ऊपर का छत का हमने नज़ारा दिखा दिया आपको, बारिश आने वाली है, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, कब बारिश आ जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम नीचे जाते हैं। और मंकी भी आ सकते हैं, मंकी तो आए रहे भाई, इसलिए हम चलते हैं नीचे क्योंकि यहाँ के मंकी काटते भी हैं, सबसे छोटे डाटे, इसलिए हम अब वो नीचे जाते हैं। से भी नहीं डरता है गाइस, अब हम चलते हैं अपने घर। चलो चलिए, चलिए चलिए हम छत से आ गए हैं। हाँ। ये हमारा मेन रास्ता है, हम अपने घर में आ गए हैं। अब हम देखते हैं हमारी कढ़ी कंप्लीट तैयार होगी, हमारा खाना देखते हैं। अब यहाँ पे रोटी बन गई है, कढ़ी तैयार हो चुकी है, अभी हम आपको दिखाएंगे। चावल भी बन गए हैं, रोटियाँ भी बन गई है। मेरे बेटे को भूख लगने लग गई है तो अपना जूस पीने लग गया है, तो इसका पाइप तो है नहीं इसलिए मैं इसे गिलास में करके दे रही हूँ। लाइए ये देखिए, तो मैडम जी खड़ी हैं, लाओ लाओ मैं फोड़ूंगा ना, नाइफ से होएगा, नाइफ से नहीं, नाइफ से नहीं हो सकता ऐसे किसी का। दिखाओ 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 दिखाओ, ये हमने नाइफ से खोल दिया है। मम्मा मैं इतना डालूंगा इधर ग्लास में कर लिया। मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ, मम्मी रुक जाओ, दी सकता है ये। देखिए हमारे किचन, अभी इसे पिएगा, इसे भूख लग रही है, खाना रेडी हो गया है मगर ये डैडी के साथ ही खा पाया खाना। टमाटर मम्मा, अच्छा ये फिनिश हो गया है, नहीं फिनिश नहीं हुआ अभी है इसमें। इसका पाइप खो गया इस वजह से मैं इसे गिलास में करके दे रही हूँ, गिलास से पी लेगा। चलो हो गया फिनिश, ठीक है अब बताइए कैसा लगा है। चलो पियो,
और बताओ कैसा लगा? ठीक है, ठंडा लग रहा है ना, मैं नहीं पीऊंगी। देखो पीकर देखो, पता यम्मी। दिखाइए मुझे, दिखाइए, दिखता तो यम्मी लगा है, इसने तो यूं कर दिया है। चलिए फिर हमें डस्टबिन में डाल देते हैं। अभी हैंड वॉश कर रहा है। तो हम खाना खाएंगे तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है हमारे कढ़ी चावल फाइनल। इसमें घी डालिए और तब इसे खाइए। ये मेरे छोटे बेटे के लेकर किया है अपने खाना, उसके लिए मैं घी डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ गए हैं खाने। ये देखिए इनकी कढ़ी चावल रोटी, मेरे बेटा भी खाएगा, दोनों खाना खाएंगे। चलिए खाइए और बताइए कैसा लग रहा है। क्या टेस्टी है, अभी तो खाएंगे। हाँ बेटा, ये मेरा बेटा बहुत, अरे ये कहता खाता नहीं है ये, उधर हो जा। हाँ मैं बीच में बैठूंगा, अपने आप था हुआ पे। ठीक है भाई, ये बहुत नखरे करते हैं, आप बैठो यहीं पे। मम्मा मेरे ना सांस ढीले हो रहे। कोई बात नहीं, मैं खाना खिलाऊंगा अपने बेटे को। मैं खाऊंगा ना। एक बस एक लूंगा, एक लूंगा। ये कैसा लगा बता दो मम्मा को। ऐसे कर दो। ये देखिए मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी टेस्टी। टेस्टी ये चाय है, कढ़ी चावल, प्याज, प्याज कढ़ी चावल है। हाँ, वेरी वेरी टेस्टी है बेटे। अब मेरा ब्लॉग समाप्त होता है। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो चलो, आई थिंक मैं थोड़ा सा ले लूंगा। कैसा लगा अंजलि चावल, एक बार लास्ट बता दीजिए। बहुत अच्छा, कढ़ी चावल दूसरी बार है। कोई बात नहीं, जितना पेट में आया उतना खाइए।